हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.8 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इंटीग्रेशन करना है कैसा, डेफिनेट किस मेथड से, लिमिट ऑफ सम। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आपने फिफ्थ कर लिया तो सिक्स्थ भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। तो इसमें हमें दे रखा है लिमिट फ्रॉम 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 4 दे रखी है, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, एन एच निकालेंगे जो हमने पिछली बार भी किया था। तो एन एच इजिकल टू होता है बी माइनस ए, बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू 1, तो इजिकल टू 3। तो ये आई एन एच की वैल्यू, ठीक है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इन सब की वैल्यू निकाल लें, एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2 एच, ठीक है। तो देखिए एफ ए और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ 1। अब क्या करें, इस 1 को हम यहाँ पुट कर दें एफ एक्स में, तो क्या आया 1 का स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। अब एफ ए प्लस एच, तो अब हम एक जगह क्या पुट कर दें 1 प्लस एच, ठीक है। तो क्या होगा, अब 1 प्लस एच कहाँ रखना है, x की जगह। तो ये हो गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। तो इसको अब खोल लेते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच माइनस का 1 माइनस का एच। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये हमें मिला एच स्क्वायर प्लस एच। ऐसे ही हमने ए प्लस 2 एच निकाला, तो ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया 1 प्लस 2 एच, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एच होल स्क्वायर खोल देंगे और अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 एच स्क्वायर प्लस 2 एच, ठीक है। अब क्या निकालना है, एफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो क्या एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है जी। तो खोल लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल लिया इंटू एच स्क्वायर प्लस टू एच इंटू एन माइनस 1 माइनस खोल लिया माइनस का 1 माइनस का एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है 1। अब उसको हम होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये आएगा, चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आया n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसमें से ये गया तो कितना बचा, h इंटू एन माइनस 1। तो इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें,
तो इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, h f a की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, f a प्लस h की वैल्यू कितनी है h स्क्वायर प्लस h, प्लस f a प्लस टू h की वैल्यू कितनी है 4h स्क्वायर प्लस 2h, तो ठीक है, प्लस डॉट डेट डेट डैश, प्लस ये क्या आ गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h h 2h 3h ऐसी रहेगा, h प्लस 2h प्लस 3h अप टू क्या n माइनस 1, ठीक है जी। अब हम h स्क्वायर ले लें यहाँ से, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस ये आएगा आगे 9h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इन h, तो अगर हम यहाँ से h कॉमन ले लें तो क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, तो ये बन गई क्या समांतर श्रेणी। यहाँ से हमने h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 9 हो गया, डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो ये क्या हुआ n n माइनस 1 पदों का योगफल, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। प्लस ये हो गया h स्क्वायर, तो ये हो गया। अब आप अगर समांतर श्रेणी में जाएंगे फिर से तो आपको ये रिजल्ट पता होगा, तो इसका रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो अब करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, तो अब हम क्या करेंगे, ये एन एच ही है, अब इस h की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एन एच ब्रैकेट में एन एच माइनस एच, एन एच इंटू एन एच माइनस एच अपॉन 2 प्लस। अब यहाँ देखिए एक h का जो h स्क्वायर है इसका एक h, हम एक h हम यहाँ जोड़ दें, दूसरा h हम इसके अंदर जोड़ दें, और ये वाला h, अब चूंकि h सबसे बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, तो यहाँ तो एडजस्ट हो चुका, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ और यहाँ कर चुके हैं, तो अब इसकी हम खोलेंगे इसको, तो h की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, इस h को हम जोड़ देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तीन h तीन टर्म, तो क्या लिख दें एन एच इंटू एन एच माइनस एच इंटू टू एन एच माइनस एच अपॉन का 6। अब देखिए एन एच की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3, तो जहाँ जहाँ भी एन एच है वहाँ हम 3 पुट कर दें, तो ये एच तो हमारा हो चुका, इसको हटा दिया हमने। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन एच की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस एच इंटू, अब ये देखो 3 था ये 6 हो गया, तो 3 था ये 2 का 3 दूनी 6 हो गए, 6 माइनस एच अपॉन 6 ये कट गया 3 दूनी 6, तो हम यहाँ से 1 बाई 2 कॉमन ले लें। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या बचा, अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 9 माइनस 3h प्लस 3 इंटू 6 18 माइनस का 3h माइनस का 6h प्लस का h स्क्वायर, अब यहाँ पे लिमिट लगा दें
तो जहाँ जहाँ भी एच था वहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो क्या बचा अंदर केवल 9 प्लस 18, तो कितना हुआ 17, 27/2, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें e की पावर x दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, -1 to 1 e की पावर x dx, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1, b की वैल्यू है +1, ठीक है। एफ एक्स कितना है, e की पावर x, तो एन एच की वैल्यू कितनी आई, b माइनस ए, b कितना है 1, माइनस ए केवल -1, तो कितना हो गया ये 1 प्लस 1, तो एन एच इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। चलिए, अब हैंड टू हैंड हम एफ ए और एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी निकाल दें, तो एफ ए, ए का मतलब कितना हो गया -1, तो अब -1 को हम कहाँ रख दें, x की जगह, तो क्या हुआ e की पावर -1। अब -1 प्लस h मतलब a प्लस h, तो क्या हुआ e की पावर -1 प्लस h, तो मैं इसको अलग अलग तोड़ सकता हूँ, e की पावर -1 × e की पावर h, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वापस हमारे पास यही आ जाएगा, ऐसे ही f a प्लस 2h मतलब -1 प्लस 2h क्या आ जाएगा, e की पावर -1 प्लस 2h, इसको हम फिर तोड़ते हैं तो e की पावर -1 × e की पावर 2h हो गया, a प्लस 3h तो e की पावर -1 × e की पावर 3h, और लास्ट में क्या बचता है -1 प्लस n -1 × h, भाई a प्लस n माइनस वन इंटू एच हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, e की पावर -1 प्लस n -1 × h, इसको थोड़ा तो e की पावर -1 × e की पावर n -1 h, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में फिट कर दें, तो क्या होता है फॉर्मूला, फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो h एफ ए प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस ... एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो h, एफ ए कितना आया था हमारे पास, e की पावर -1 प्लस एफ ए प्लस 2h कितना आया था, e की पावर -1 × e की पावर h, एफ ए प्लस 3h कितना आया, e की पावर ये एफ ए हुआ, ये एफ ए प्लस एच हुआ, ये ए प्लस 2h, e की पावर 2h हो गई, ठीक है। प्लस अब ए प्लस 3h का क्या होगा, e की पावर -1 × e की पावर 3h, ... चलता रहेगा, लास्ट में क्या मिला, e की पावर -1 × e की पावर n -1 × h, अब क्या किया, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच, ई की पावर -1 हमने कॉमन लिया, तो 1 प्लस ई की पावर h प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 3h प्लस ... प्लस ई की पावर n -1 × h। तो देखिए ये सब किस में है, अब जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो फॉर्मूला क्या होता है,
एन माइनस वन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल कितना होगा? एस एन इज इक्वल टू प्रथम पद इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब आर क्या है इसमें, क्या होता है आर? सर्वानुपात होता है। तो कैसे निकालते हैं वो? द्वितीय पद बटे प्रथम पद या तृतीय पद बटे द्वितीय पद। तो ई की पावर एच अपॉन एच, तो ई की पावर एच आया। ये हमने फॉर्मूला है फिक्स लगा दिया है इसमें। अब लगाएं फॉर्मूला, ई लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच ई की पावर माइनस वन, मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो क्या लिखें अब? तो देखो, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, ए कितना है वन इंटू आर कितना है ई की पावर एच, साथ में एन, तो एन एच हो गया माइनस का वन अपॉन ई की पावर एन एच, सॉरी ई की पावर एच बचा खाली, क्या बचा आर कितना, हाँ ई की पावर एच माइनस वन, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हम इसको, वन इंटू ई की पावर एन एच माइनस वन अपॉन ई की पावर एच माइनस वन। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आने वाली है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। एच अपॉन ई की पावर एच माइनस वन, ठीक है। अब ई की पावर माइनस वन को मैं अंदर ले गया, तो ई की पावर माइनस वन ब्रैकेट लगाया, ई की पावर एन एच की वैल्यू पुट कर दें, तो कितना था एन एच टू माइनस वन अपॉन, कुछ है ही नहीं, वन आ गया, क्योंकि यहाँ वाली जो टर्म थी वो यहाँ पे आ गई। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, स्टैंडर्ड लिमिट होती है ये, और इसकी वैल्यू होती है वन। तो वन इंटू ई की पावर माइनस वन ई टू ई स्क्वायर माइनस वन, अपन में कुछ है ही नहीं, वन है, ठीक। अब अंदर ई की पावर माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दें, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर आपस में जुड़ती हैं, तो माइनस का वन प्लस का टू माइनस ई की पावर माइनस वन, तो ई की पावर वन बचा माइनस ई की पावर माइनस वन बचा, तो ये हुआ ई की पावर मतलब ई माइनस ई की पावर माइनस वन, ये आ गया हमारा आंसर। तो यदि ई की पावर कुछ है इस तरीके से 2x 3x, तो यहाँ पर तो जो श्रेणी बनेगी वो जी पी ही होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर वो वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या बनेगी? समांतर श्रेणी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन गुड बाय।